हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर व्हिच इज इंडिया द पेनिनसुला प्लेट। ओके, इन द प्रीवियस वीडियो यू रीड अबाउट सेंट्रल हाईलैंड एंड डेकन प्लेट। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट लाइफ इन द प्लेटू रीजन्स एंड कवर द फ्लोइंग एस्टेट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 30। लुक केयरफुली इन योर बुक एंड लिसन टू केयरफुली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लाइफ इन द रीजन। द सदर्न प्लेटू कवर्स द फ्लोइंग एस्टेट। ओके, सो फर्स्ट स्टेट मध्य प्रदेश। आज आपको मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है। ओके ओके, मध्य प्रदेश। दिस इज ए सेंट्रली लोकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। यह जो है यह भारत का एक केंद्र में स्थित स्टेट है। ओके, कौन सा? मध्य प्रदेश। भोपाल इज इट्स कैपिटल। भोपाल इसकी राजधानी है। अदर बिग सिटीज इंक्लूड ग्वालियर, इंदौर एंड जबलपुर। इसमें और भी बड़े बड़े सिटी आपके आते हैं, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया। ये सेंट्रल हाईलैंड में, आपको मैंने सेंट्रल हाईलैंड बताया था जिसमें मैंने बताया था कि ग्वालियर आता है, इंदौर आता है, जबलपुर आता है, तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश में आता है। ओके, क्लियर। आगे देखिए आप, पंचमढ़ी इज ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। ओके, द कन्हा नेशनल पार्क एंड द बांधवगढ़ नेशनल पार्क आर द टाइगर रिजर्व्स। यहाँ पर बता रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल जो पार्क है यह एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण है। यानी यहाँ पर जो है इस पार्क में आपका बहुत सारे बाघ रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। ओके, नेशनल पार्क आर द टाइगर रिजर्व्स। यहाँ पर जो है टाइगर्स यानी बाघ का जो है अभ्यारण है। ओके, द चंडेला डायनेस्टी। ओके, द चंडेला डायनेस्टी टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर वर्ल्ड फेमस। खजुराहो का जो आपका चंडेला राजवंश मंदिर है वह पूरे विश्व में, वर्ल्ड में जो है पूरा फेमस है। ओके, क्लियर। फिर से मैं बता दूं कि खजुराहो के चंदेला राजवंश मंदिर जो है वह पूरे विश्व में, वर्ल्ड में जो है पूरी तरह से फेमस है। ओके, क्लियर। पन्ना डायमंड्स माइंस, पन्ना जो है यहाँ हीरे का खान है। वीट एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स। गेहूं और कॉटन जो है यहाँ का मुख्य फसल है, ग्रो इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में जो है गेहूं और कॉटन की खेती की जाती है और उगाई जाती है। ओके, क्लियर। मध्य प्रदेश के बारे में आपने जाना। ओके, अब आप देखेंगे छत्तीसगढ़। सेकेंड स्टेट आपका आता है सदर्न प्लेटू में छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ लाई टू द साउथ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट। मैंने छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में बताया था, तो छत्तीसगढ़ जो है छोटा नागपुर प्लेटू में है। ओके, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। रायपुर जो है इस स्टेट की राजधानी है। द स्टेट इज रिच इन मिनरल्स, कोल, आयरन एंड मैग्नीज आर माइंड हेयर। यह स्टेट जो है बहुत ही आपका धनी है एक तरह से, मिनरल में, कोयला हो गया, आयरन हो गया, इन सारे चीज़ों में जो है यह स्टेट बहुत धनी है। धनी यानी यहाँ पर इन सारे
मिनरल्स का जो है बहुत बड़ा खदान है। ओके, तो यहाँ पर खुदाई की जाती है। भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन दिस स्टेट, इस स्टेट में भिलाई स्टील प्लांट भी है। ओके, द फार्मर्स ऑफ दिस स्टेट ग्रो, यहाँ के किसान जो है इस स्टेट में उगाते हैं राइस हो गया, ठीक है, लेंसिड हो गया, ओके, उसके बाद बीडल हो गया एंड वाटरमेलन, यहाँ के राइस चावल हो गया, ओके, लेंसिड और आपका बीडल यानी पान को हम कहते हैं, और वाटरमेलन यहाँ पर खेती की जाती है। तो यहाँ के किसान जो है ये सारे चीज़ बहुत अच्छे से उगाते हैं। ओके, क्लियर, छत्तीसगढ़ के बारे में आपने जान लिया। सेकेंड हमारा स्टेट आता है सदर्न प्लेटू का, झारखंड। ओके, इट इज रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस। अब यहाँ देखिए, यह बता रहा है यह बहुत ही धनी है मिनरल्स और फॉरेस्ट रिसोर्सेस यानी वन संसाधन में, ठीक है, दोनों चीज में जो है झारखंड जो है बहुत ही धनी स्टेट है। ओके, क्लियर, रांची इज इट्स कैपिटल, रांची इसकी राजधानी है। मेनी बिग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड हियर ड्यू टू प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेस लाइक आयरन, कोल एंड मैगनीज, अदर बिग सी मैगनीज। ओके, यहाँ पर बता रहा है कि कोयला, ठीक है, लोहा है ना, लौह कोयला और बहुत सारे मैगनीज के कारण जो है यहाँ बहुत सारे उद्योग जो है आपके चलाए जाते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आयरन कोल और मैगनीज बहुत रिसोर्सेस ज़्यादा मात्रा में है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री पाए जाते हैं, जमशेदपुर, बोकारो एंड धनबाद। और इसके अलावा बता रहा है यहाँ का अदर बिग सिटी है बड़ी बड़ी, जमशेदपुर हो गया जिसको हम टाटा भी कहते हैं, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया। ओके, क्लियर, दामोदर एंड स्वर्णेखा आर द फेमस रिवर। अब आप याद रखेंगे, पीछे पहले भी मैंने बताया था कि झारखंड में दामोदर नदी जो है विख्यात है और स्वर्णेखा, ये दो नदियाँ जो है बहुत ही फेमस है। द स्टेट पोसेस प्लेंटी ऑफ मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ कोल, आयरन एंड मैगनीज, ये सारे ये स्टेट जो है इसी के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फेमस है मिनरल्स के लिए, चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा खदान है और ऑल मिनरल्स आर माइंड हेयर, यहाँ पर खुदाई करके जितने भी मिनरल्स है यहाँ खुदाई किया जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ओके, क्लियर, आप देखिए, अब फोर्थ स्टेट के बारे में मैं बता रही हूँ, उड़ीसा। उड़ीसा देखिए, भुवनेश्वर इज द कैपिटल सिटी एंड पुरी इज द सिटी ऑफ टेम्पल। उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर है, लेकिन पुरी जिसको हम जगन्नाथ पुरी भी कहते हैं, तो वह जगन्नाथ टेम्पल्स जो है उसके लिए यह सिटी जो है पूरी तरह से विख्यात है। पुरी, द जगन्नाथ टेम्पल एंड द फेमस रथ यात्रा अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट एवरी ईयर। जगन्नाथ टेम्पल यहाँ पर बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है आपका, और इसमें हर साल प्रत्येक ईयर जो है एवरी ईयर रथ यात्रा होता है। ओके, जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट जो है आते हैं और इसको देखने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, और फिर बहुत सारे टूरिस्ट आपको प्रत्येक ईयर आते हैं। ओके, लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ जमी रहती है और एवरी ईयर रथ यात्रा निकाला जाता है। ओके, क्लियर, कटक इज द मेन इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ का कटक जो है मेन आपका इंडस्ट्रियल सिटी है। उड़ीसा इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स एंड सिल्वर वर्क। उड़ीसा आपका प्रसिद्ध है कपड़े और सिल्वर वर्क यानी चांदी के वर्क के लिए, काम के लिए। उड़ीसी इज द पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का जो है पॉपुलर क्लासिकल डांस क्या है, उड़ीसी है। ओके, पीपुल हियर स्पीक उड़िया, और यहाँ के लोग जो है उड़िया बोलते हैं। ओके, क्लियर, ये आपका फोर स्टेट हो गया। अब आगे के वीडियो में मैं महाराष्ट्र के बारे में बताऊँ।